नमस्कार सर, मैं देवव्रत अधिकारी। आज प्रोजेक्टर मॉल की ओर से मैं एक नया वीडियो आपको दिखाने वाले हूँ। तो हमारा जो अंगूर हर साल खाते हैं हम लोग, ये घर में पैर होने के बाद ये प्लांट अगर घर में लगाएंगे तो इसका क्या केयर करना है, इसका परिचर्या क्या करना है, इसका कैसे करना है। मैं पिछले साल मतलब एक साल हुआ है, इसी महीने में मैं एक अंगूर का पेड़ लाया था, दो लाया था, एक है जो ग्रीन वाला अंगूर और एक है ब्लैक वाला अंगूर। तो लाया था मैंने, ये देखिए कितना छोटा सा कार्टून है, फिर भी टूटा हुआ। तो मैं विश्वास हुआ नहीं था जो इसका फिर भी होगा या नहीं होगा। तो फिर मैंने ये एक इतना छोटा, ये 10 लीटर बाल्टी का है नहाने का, इसी बाल्टी से 3 बाल्टी मिट्टी देकर मैंने इसको लगाया था, दोनों पैर को लगाया था। जो अगर फल आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा इसका कैसे कोरा जाए। तो देखिए मैंने तो लगा तो दिया, तो ये लग तो गया, तो लगने के बाद इतना बड़ा पेड़ हो गया, तो इतना बड़ा पेड़ हो गया, तो इतना सा मिट्टी में इतना बड़ा पेड़ होने के लिए तो मतलब इसका मिट्टी का सारा न्यूट्रिशन खा गया। तो इसका ये न्यूट्रिशन खोने के बाद मैं सोचा अगर इसमें फल आएगा तो इसमें फल को कैसे टिकाना है। तो मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जब मैंने सीखा है कैसे बनाना के प्रोसेस है, तो मैंने हर रोज़ इसको ये सरसों का खोल का पानी है, 1 लीटर है, इसे एकदम नापा हुआ है, इसी से 1 लीटर का है जार, इसी से मैंने ये 1 लीटर हर रोज़ इसको दिया था, ऐसे ऐसे करके सिर्फ मिट्टी को भिगा के रखना था और कुछ नहीं, जो सूख ना जाए। दिन में मतलब शाम को ये सरसों का खोल का पानी देता था, और ये सरसों का खोल का पानी बनाने का तरीका मैं आपको लिंक में पहले ही बना दे चुका हूँ, पहले वीडियो किया था, आप लोग देख सकते हैं मेरा वीडियो को। तो ऐसे भिगा के रखा था और कुछ नहीं। तो और हफ्ते में एक दिन किया था, हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसमें 1.5 लीटर है, मैं एकदम नाप के लाया। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका भी आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल चुका है, अब देख लीजिए कैसे बनाने का तरीका है। अगर आपको मालूम नहीं है फिर मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं दोबारा आपको लिंक दूँगा। तो देखिए ये 1 लीटर इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो ये 1.5 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसमें 1.5 लीटर जो हमारा चावल पकाने के बाद जो पानी निकलता है, इसको भात का मार बोलते हैं, फैन भी बोलते हैं कोई, तो चावल पकने के बाद जो पानी निकलता है 1.5 लीटर है, तो ये डाल दिया। और इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है, 1 लीटर पानी डालने के बाद, 1 लीटर पानी डालने के बाद ये हफ्ते में ये पानी मिक्सिंग करके ये पानी को मैंने इसमें हफ्ते में एक दिन ऐसे दिया था। तो ये देते 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 इसी से कंप्लीट न्यूट्रिशन होके, इसी न्यूट्रिशन से आज देखिए कितना सुंदर, ये 3 फीट हाइट से ये देखिए कितना सुंदर लग गया ये अंगूर का पेड़। देखिए हर आग में अंगूर है, देखिए हर आग में जिधर जाएंगे उधर ही मिलेगा आपको, ये देखिए। कि ये जैसे हमारा पेड़ का न्यूट्रिशन मुझे मालूम चल गया, तो ये कंप्लीट न्यूट्रिशन ये पेड़ में है, और इसीलिए इसका जो फल है, अभी बहुत तूफान का दिन भी है, मतलब इस वेदर में बहुत तूफान आता है, बारिश होता है, तो ये मौसम बिगड़ने के साथ साथ ये अंगूर बहुत सारा गिर भी गया, छोटा छोटा आपको दिखा सकते हैं, नीचे देखिए गिर के ये गिरा है, इसे बहुत सारा मैंने फेंक दिया, मतलब बहुत सारा अंगूर ये जितना है इससे आधा पड़ गया, इतना पड़ गया झर गया। तो फिर भी जितना है ये देखने से ही हमारा मन का एक शांति मिलता है,
तो आपको ये वीडियो मैं YouTube में इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो कोई भी अगर देखे तो वो भी घर में ये अपना घर में ये हेल्दी सा पेड़ बना के अपना आनंद के साथ ये लाइफ में एंजॉय कर सकता है। जो घर में मतलब उगाने के बाद अंगूर कैसा लगता है अब खुद देखिए, इसमें कोई साइड इफेक्ट वाला बात है नहीं। और मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक बटन बताइए दबाइएगा, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं ये हेल्थ का इम्यूनिटी पावर कैसे ठीक रखना है उसका हर बीच बीच में आपको वीडियो देता रहूँगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़े रहिए मेरे साथ, तो यही कहना है आपको, और दूसरे को ज़रूर शेयर कीजिएगा, नहीं भूलेगा शेयर करने के लिए, क्योंकि हम कर सकते हैं, मैं अगर कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, और आगे जाके दुनिया में आदमी ऐसा नहीं करेगा तो आदमी का रहने का ये एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करेगा। पेड़ पौधे से ही अपना एनवायरनमेंट बनता है, तो पेड़ पौधा का ज़रूर लगाइए अपना छत के ऊपर, मैंने ये किया है, तो ज़रूर कोशिश कीजिए आप लोग भी। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको मोबाइल नंबर दूंगा, मुझसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का दिन शुभ हो, आपका लाइफ बीमारी मुक्त हो, यही मेरा भगवान से ऊपर वाला से मतलब चाहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।